अब हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज है और ग्रेप ग्रेप्स है, ठीक है? तो हम ऑरेंज में कौन सा कलर करेंगे? मैडम जोक कर रही हैं क्यों? ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर है, और हम देख लेते हैं अगर ऑरेंज का कोई और शेड हो मेरे पास 50 कलर्स में, तो है एक और शेड है, ये ऑरेंज एक्चुअल ऑरेंज है, ये वर्मिलियन ह्यू है, ऑरेंज का डार्क होता है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑरेंज कलर कर लेते हैं, ऑरेंज। इसकी हम बिल्कुल पास पास में उसे गोल गोल करके करेंगे, क्योंकि इसके टेक्सचर्स जो होते हैं इसी टाइप के होते हैं। और थोड़ा थोड़ा ना वो सब वाइट वाइट छोड़ते जाएंगे हम ऐसे, देखो बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं ना वाइट वाइट, पूरा ज़्यादा फिल नहीं कर रहे हैं कलर। कहीं कहीं ऐसा वाइट वाइट छोड़ते जाएंगे। स्क्वायरल बोली, कैसे बोली? हमने व्हाइट इसलिए छोड़ा था जिसमें हम उसमें येलो कर सकें। तो जहाँ जहाँ हमारा व्हाइट छूटा था वहाँ वहाँ येलो फिल हो जाएगा और कलर ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखो है ना बढ़िया, थोड़ा सा वर्मीलियन ह्यू है, अगर वो इसके ऊपर आ जाए तो कर देते हैं, नहीं आता है तो थोड़ा सा और डार्क रेड ले लेते हैं हम, हल्का हल्का साइड साइड में ऐसे, कहीं 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 अगर शेडिंग करनी है तो, नहीं तो फिर इतना तो कंप्लीट है ही हमारा। थोड़े से बड़े बच्चे अगर देख रहे हैं इसे तो ऐसे से कर सकते हैं शेड के लिए। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ग्रेप्स पे कलर स्टार्ट करते हैं। ग्रेप में हमारा बिल्कुल लाइट ग्रीन और येलो का शेड रहता है, तो हमारे पास लाइट ग्रीन है एक, एक और लाइट ग्रीन है लेमन येलो, दूसरा येलो भी है, तब हमें और कोई येलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको हम रख देते हैं। हमारे पास ये चार कलर जिससे हम ग्रेप्स कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले कलर जो गंदे हो जाते हैं हमारे, उनको कपड़े से ऐसे ऊपर से अगर हम ऐसे पोंछ देंगे, देखो बिल्कुल साफ हो गए है ना। ओके, इसको भी साफ कर दें हम। चलो ग्रेप्स में कलर करते हैं, सबसे पहले येलो,
लाइट लाइट येलो कर देंगे सब में। और कहीं भी आपको ये एक वाइट स्पॉट छोड़ना पड़ेगा ग्रेप में, ऐसे गोल 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 करके एक वाइट स्पॉट छोड़ना है ग्रेप में, सभी ग्रेप में एक वाइट स्पॉट छोड़ना है। जहाँ एक का छोड़ रहे वहीं सब सबका छोड़ना है। जैसे यहाँ पर हमने ये वाइट स्पॉट छोड़ा, वो शाइनिंग का काम करते हैं। ऐसे वाइट करके आप अलग से शेडिंग भी कर सकते हो, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ग्रीन क्यों नहीं करवा रही हैं, येलो करवा दिया हमने ग्रेप में, ग्रेप पक गए क्या ज़्यादा? नहीं, इसके ऊपर हम ग्रीन करेंगे। ऐसे हम सारे सभी में कर लेंगे। लीव्स में हमने यहाँ पर ग्रेप्स की तरफ डार्क किया है क्योंकि ग्रेप्स हमारे बहुत ही लाइट हैं, है ना। और इसको हल्का हल्का से कर दिया जिसमें हमारा लाइट कलर से मिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पर लाइट कलर हमने इसमें कर दिया लीव्स के साथ और एकदम लाइट। ओके, तो ये हमारे ग्रेप्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा ऑरेंज अच्छा लग रहा है, ठीक, गुड। चलो अब हम आगे का देखेंगे क्या करना है।